वैसे तो ओमनीट्रिक्स में मिलियंस एलियन स्पीसीज के डीएनए सैंपल हैं, लेकिन अब हर एक का तो नेचुरल प्रेडेटर हो नहीं सकता है, और अभी तक तो हमें हर एक एलियन इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेन 10 के अभी तक दिखाए गए सभी एलियंस में से 5 ऐसे एलियंस जिनका कोई नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो यार, वैसे मैं इस लिस्ट को टॉप 10 लिस्ट बनाने वाला था या बना भी सकता था, लेकिन भाई कैनन बोल्ट, घोस्ट फ्रीक, डायमंड हेड और टॉपिक पर रिसर्च करने के बाद भी मुझे कोई इनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यानी कि मुझे इन 4 एलियंस का कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं मिला, और ये भी नहीं पता कि इनके नेचुरल प्रेडेटर हैं या नहीं। अगर मैं इन चारों एलियंस को लेकर अपना ओपिनियन रखूं तो देखो यार, मुझे नहीं लगता है कि डायमंड हेड का कोई भी नेचुरल प्रेडेटर होगा, क्योंकि कई बार नेमेट्रिक्स की एलियंस वर्सेस डायमंड हेड का बैटल हुआ है, लेकिन आज तक खाइवर ने उसका नेचुरल प्रेडेटर यूज नहीं किया है। यानी कि डायमंड हेड का नेचुरल प्रेडेटर होता ही नहीं है, क्योंकि भाई जिस एलियन को हर एक सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है उस एलियन के बारे में खाइवर को भी तो पता होगा ना अच्छी तरह से। डेफिनेटली खाइवर को डायमंड हेड के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी उसने नेमेट्रिक्स में डायमंड हेड के नेचुरल प्रेडेटर के डीएनए को कलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई डायमंड हेड का नेचुरल प्रेडेटर होता ही नहीं है। बात करें घोस्ट फ्रीक की, तो भाई इसका भी कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि यार ये एक घोस्ट है, और भाई हम सभी जानते हैं घोस्ट में ऐसी मतलब कोई बॉडी नहीं होती है जिसे कोई खाएगा, तो भाई इसका नेचुरल प्रेडेटर कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए यार, एक नेचुरल प्रेडेटर अपने शिकार को अपना पेट भरने के लिए ही तो खाएगा, लेकिन भाई घोस्ट फ्रीक तो एक घोस्ट है, उसके पास यार ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उसके नेचुरल प्रेडेटर का पेट भर सके। बात करें टॉपिक की, तो यार टॉपिक एक ओग्रे है। अब भाई एक ओग्रे का मुझे नहीं लगता है कोई नेचुरल प्रेडेटर होता होगा, और वो वैसे भी कंटेनमेंट सूट पहनता है, और भाई उसका फेस काफी डरावना है, तो मुझे नहीं लगता है उसका नेचुरल प्रेडेटर होता होगा। इसका नेचुरल प्रेडेटर हो भी सकता है। और भाई बात करें कैनन बोल्ट की, तो देखो यार मैंने जितनी भी रिसर्च की है तो मुझे पता चला है कि कैनन बोल्ट का कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में ऐसा कुछ बताया गया है कि इसका नेचुरल प्रेडेटर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसकी भी भाई नेमेट्रिक्स के एलियन से कई बार फाइट हुई है, लेकिन आज तक खाइवर ने इसके नेचुरल प्रेडेटर का डीएनए यूज नहीं किया है। और भाई एटोमिक्स एनआरजी का भी नेचुरल प्रेडेटर हो सकता है, क्योंकि हीट ब्लास्ट भी तो हीट से बना हुआ है, लेकिन उसका भी नेचुरल प्रेडेटर है, तो भाई इन दोनों का क्यों नहीं हो सकता है? इनके पास भी तो रेडिएशन ही है बस। तो भाई ऐसे और भी कई एलियंस हैं जिनके बारे में कंफर्म नहीं है कि उनका नेचुरल प्रेडेटर है या नहीं है। तो भाई बहुत कर ली बकवास, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। नंबर 5, क्रोमास्टोन। देखो यार, सग लाइट या क्रिस्टल सेपियंस का कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है, ये ऑफिशियली कंफर्म है, क्योंकि भाई जो अपना क्रोमास्टोन है उसका डीएनए सोर्स है सग लाइट, और भाई हम सभी को पता है सग लाइट एक गार्डियन है, और भाई मुझे नहीं लगता है किसी गॉड लाइक गार्डियन का कोई नेचुरल प्रेडेटर होता होगा। देखो यार, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर है, क्योंकि यार ये एक गार्डियन है, इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर कैसे हो सकता है? इसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं। हाँ, इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जब भी हैं यार। और यार इसकी पूरी पावर्स के बारे में तो अभी तक बताया भी नहीं गया है, तो हम कह भी नहीं सकते हैं कि इसके पास कितनी पावर्स हैं, ये कितना पावरफुल है। और वैसे भी सग लाइट ओमनीट्रिक्स के अंदर ही रहा है, यानी बेन 10 यूनिवर्स में जो एक क्रिस्टल सेपियन बचा था वो ओमनीट्रिक्स के अंदर रहा है, तो भाई किसी को तो पता ही नहीं होगा कि मतलब कोई क्रिस्टल सेपियन बचा भी है या नहीं। और भाई वैसे भी इसकी पूरी ही बॉडी क्रिस्टल से बनी हुई है, और वैसे भी यार पेट्रोपिया पर क्रिस्टल सेपियन और पेट्रोसेपियन ही दिखाए गए हैं, यानी उन पर और कोई नहीं रहता है, और भाई ये दोनों तो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। नंबर 4, नैनोमैक। अब भाई ये एक मैन मेड एलियन है जिसे ओमनीट्रिक्स ने खुद ही क्रिएट किया है। जब ये एलियन ही नेचुरल नहीं है तो इसका नेचुरल प्रेडेटर वाला कैसे हो सकता है? यानी कि यार पूरे बेन 10 यूनिवर्स में ओनली एक ही नैनोमैक है जिसे ओमनीट्रिक्स ने खुद क्रिएट किया है, यानी बेन ही उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो भाई इसके तो कोई चांस नहीं है कि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर हो, ये कोई नेचुरल एलियन नहीं है। नंबर 3, अपग्रेड, यानी कि एक गैल्वेनिक मेकामॉर्फ जो कि एक एक्सपेरिमेंटल एलियन स्पीसीज है। भाई ये एक एक्सपेरिमेंटल स्पीसीज है, यानी एजमत द्वारा क्रिएट की गई एक स्पीसीज है, तो आप ही बताइए यार इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये स्पीसीज नेचुरल है ही नहीं।
मतलब नेचुरल तो है लेकिन भाई डायरेक्टली नेचुरल नहीं है, क्योंकि यार ये एक एक्सपेरिमेंटल स्पीसीज है, नेचर ने इसे खुद नहीं बनाया है। और भाई ये ऑफिशियली कंफर्म भी है कि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। नंबर 2, अपचक यानी गवर्नमेंट स्पीसीज, जो कि बेंटन यूनिवर्स में खाने के मामले में टॉप स्पीसीज है, इसलिए भाई इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि पूरे बेंटन यूनिवर्स में ऐसी कई स्पीसीज हो जिन्हें ये ना खा पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी नेचुरल प्रेडेटर हो गई। आप कुछ सोचिए ना, जो पूरे बेंटन यूनिवर्स में खाने के मामले में टॉप पर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑफिशियली कन्फर्म है, उसे भला कौन खा सकता है? और भाई इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी ऑफिशियली कन्फर्म है। एलियन सेलेस्टियल सेपियन और टोकोस्टार तक को निगल सकता है, क्या आपको लगता है कि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर होगा? और वैसे भी ये तो कन्फर्म भी हो चुका है कि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं। तो फाइनली नंबर 1 पर आता है एलियन एक्स। अब देखो यार, इनका टाइम और स्पेस से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका एक अलग ही यूनिवर्स है जिसे हम बोलते हैं फोर्ज ऑफ क्रिएशन, जहां ओनली सेलेस्टियल सेपियन ही रहते हैं। इनकी बॉडी ही इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, तो आप समझ सकते हैं यार इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर कैसे हो सकता है, भला कोई इन्हें कैसे खा सकता है, क्योंकि भाई इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता है। सेलेस्टियल सेपियन गॉड लेवल की स्पीसीज है, अपने थॉट से ही यूनिवर्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ क्रिएट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए भाई इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं हो सकता है, ये भी ऑफिशियली कन्फर्म है। और इस लिस्ट में जो 5 एलियंस मैंने बताए हैं वो ऑफिशियली कन्फर्म कर दिए गए हैं कि इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो भाई आपको कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनके अलावा कोई ऐसा एलियन है जिसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लेकर अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना। और यार प्लीज वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना, और भाई ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।